तो हमारी कथा बोलने की बड़ी आशा है, बड़ा रखना कि हम सब भाई लोगों के नाम के हम बोले कैसे बता रहे हैं
भगवान का स्वरूप है, नट किशोर नटवर वो उपेश भी अनुकर, जो भगवान को नित्य स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है, नव किशोर नटवर वो उपेश भी अनुकर, जो भगवान का नित्य स्वरूप है। भगवान जो अभी मैंने बताया कि सब की दृष्टि से तो एक है, लेकिन रस की दृष्टि से कुछ अंतर है। जितने भी भगवान के अवतार है उनमें 60 गुण है, लेकिन जो भगवान सब विश्व है उनमें अंतर 64 गुण है। उनके चार ज्यादा है, कौन से चार नाम ज्यादा है, गुड़ माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, चार के अंदर ज्यादा है। और अब आया रूप माधुरी, सबसे पहले उनके रूप की वर्णन करें, ऐसा उनका रूप है भगवान को कितना सुंदर रूप भगवान को है कि भगवान जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है ना उनके रूप को देखकर मोहित है जाते हैं। मनुष्य भी उनके मनुष्य तो हो गए होंगे, लेकिन पशु पक्षी जो कीट पतंग वो भी उनके रूप को देख के मोहित है जाते हैं। और दशवान लक्ष्मी जी भी जो नारायण की सेवा कर रही हो वो भगवान के रूप को देख के नारायण की सेवा को छोड़ के वो जब ब्रज की सेवा के लिए आ जाएंगे। हमें भागवत में श्लोक है कि जयति तेति कम जन्म ना व्रजश्रयरा शस्त्र दर्द रही, यहाँ बता रही कैसे लक्ष्मी जी भी अपने नारायण की सेवा को छोड़ के जो ब्रज में भगवान के रूप को देख के थी मोहित गजा में वो अपने रूपों को छोड़ के भी बजा रही ब्रज में उनकी सेवा के लिए आजा में। और तो और इधर तो पशु पक्षी मनुष्य लक्ष्मी जी की बात कि मैंने बताई तो जहाँ से भी जा सकता है स्वयं भगवान की सुनी अपने रूप को देखकर मोहित हो जाए। कैसे भाई छोटी सी लीला के माध्यम से बता कैसे। यशोदा मैया ने अभी कुछ तो बहुत छोटे बच्चे आए, यशोदा मैया ने क्या चाह रहा है भगवान तो बहुत सुंदर रूप से सजा दी है, छोटे बालक है उनके सिर पर का सिंह छोटी बना के रखे मोर मुकुट लगा दियो और महंगे है सामान बढ़ रही है और छोटे बच्चे आगे में घूम रहे हैं, मैया ने हाथ में डाल दियो मक्खन दे दियो, मक्खन को लेकर भगवान क्या कर रहे हैं अपने आगे में घूम रहे हैं। उनके आगे में एक मणि स्तंभ है, मणि स्तंभ का एक हाथू या मणि लगा के और वो चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे वो घूम रहे ना तो मणि स्तंभ जब उन्होंने अपने रूप को देखो ना तो रूप को देखकर बोले अरे ये बालक तो बड़ा सुंदर है, तो बहुत सुंदर तो मेरे बालक अभी देखो ना तो सुंदर बालक अपने रूप को देख भगवान बोले मैं त्योरा का बालक के साथ दोस्ती कर लो अपना मित्र बना लो, ये बालक को मित्रवा को देख के इतने मोहित है देखो भगवान इतना सुंदर बालक है और क्या करें दोस्ती करने के लिए क्या करें अपने हाथ को जो मक्खन है और बालक को खिला रहे हैं ले मक्खन खा ले मेरे से दोस्ती कर ले। इतना देख रहे ना इधर यशोदा मैया देख रही है कि मेरे बालक कौन से बात कर रहा है, ये कौन से बात कर रहा है, जैसे कोई बाहर आकर देखे ना तो कन्हैया बड़े लज्जित रह जाए और मैया के आश्रम में जाकर छुप जाए। तो इधर बता रहे हैं कि कैसे स्वयं कृष्ण अपने रूप को देख कर ही मोहित रह जाए, इस रूप में इतना सुंदर भगवान का रूप है। अब आए उनके गुण माधुरी के, कैसे उनके गुण है महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया था उनके गुण के बारे में, लेकिन एक मैं और बताऊँ हमें क्या है कि भगवान के गुण है एक हतारी गति दायक, हतारी गति दायक तो सभी कोई है, सभी कोई जितने भी राम भी है नरसिंह भी है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उच्च कुल में जन्म दे रहा थी ऐश्वर्य दे रहा थी, लेकिन जो ब्रज को ब्रज में जो स्थान है ना वो नहीं रहा थी अपनी स्वयं की भक्ति वो नहीं कर सकते, वो नहीं रह सके वो तो केवल क्या कर रहे हैं उच्च कुल में स्थान दे सके क्या बहुत ज्यादा ऐश्वर्य दे रहे। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे बता रहे हैं कैसे देखो पूंदना कैसे रूप धारण करके आई, ऊपर से माता का रूप धारण करके आई, लेकिन बाद छल भरा हुआ क्या चल बढ़ोगा मैं आपको मारूंगी इस पर आके मारूंगी, लेकिन भगवान कितने दयालु कितने दयालु है क्यों
भगवान को जो ऐश्वर्य है ना वो ऐश्वर्य ब्रज में सब ढका हुआ है, माधुरी की पठान टाइप सारा ऐश्वर्य ब्रज में ढका हुआ है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे वो तो मेरे को दूध बनाना है, मैं तो बस दूध ही पी रहा हूँ ना, अगर मैं दूध पीने से पटाने लगे तो गलता में मेरों का कसू। और बोले यदि चरणावर उड़ा हवा में मेरे को उड़ा के ले जा रहा हूँ, हवा में मेरे को उड़ा के ले जा रहा हूँ, मैंने तो अपनी रक्षा करने के लिए बच्चा हूँ कहीं गिरना जाऊँ, रक्षा करने के लिए मैंने बाबू गले को पकड़ लियो, यदि मेरे गले का हाथ लगने से यदि कभी प्राण हो गए प्राण पेट्रोल निकल गए तो क्या मेरा का दोष, मेरा का दोष कसूर है, मैंने तो नहीं मारा। बोले भगवान ने बड़े को तुम मारो नहीं हो, मतलब भगवान ने ये लीला से ऐश्वर्य में लीला ने लेकिन सारी माधुर से ब्रजवासी हुए क्या कोई नहीं समझा कि भगवान के लिए ऐश्वर्य क्योंकि ब्रज में माधुर्य की प्रधानता है। आगे बाद में हमें उनकी पेड़ू माधुरी, पेड़ू माधुरी कैसी है भगवान की, जब भगवान बंसी बजा में तो स्थावर जंगम जो भी है ना जो जड़ है वो चेतन है जाना, चेतन में जड़ है जाने, ऐसे जब भगवान बंसी बजा रहे हैं विकास भगवान को बंसी बजा रहे हैं तो पंचम सुबह जब बंसी बजा में तो भगवान जब पत्थर पर जाकर खड़े हो गए वो पत्थर भी उनकी बंसी ध्वनि को सुनकर पिघल जाए और नदी जो बह रही है वो भी उनकी जो बंसी ध्वनि सुने वो भी बर्फ के समान जम जाए, उनकी ऐसी बंसी ध्वनि है पेड़ माधुरी है। और जब मानव कई बार गुरु जी की मुखाने से सुनो कि कैसे जब गैया के और बछड़ा के कान में जब पेड़ ध्वनि जावे ना तो गैया क्या करे अपने कान को खड़ा करके बड़े बाबू पेड़ ध्वनि को दोनों कान को दोनों बना के बाद ध्वनि को पान करे, रस को पान करे और बछड़ा का करे बछड़ा के जो मुख में स्तन दे रहा है ना वहाँ पर कुछ दूध है ना तो मुख में ना वो दूध को निगल पावे ना ही वो उगल पावे, वो ध्वनि को सुनकर ऐसे मुक्त है ना में कि उनको कुछ सुधबुद अपने सुधबुद भूल जाए, गोपियां भी अपने सुधबुद भूल जाए कि कैसे जब बंसी बजाए भगवान तो उनको होश नहीं रहे, जब राज के लिए भगवान ने बंसी बजाई थी तो जब गोपियां सब अपने घर में काम कर रही क्या काम कर रही, कोई चूल्हा है रोटी सेक रही थी, कोई बच्चा को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ कुछ जो काम कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनके कान में ध्वनि पड़ी ना तो क्या हुआ वो सब कुछ भूल गई और जैसे चूल्हे पर रोटी पड़ी है तो रोटी जल रही है कोई होश नहीं है छोड़ के चल गई, और जैसे वो श्रृंगार करी ना तो पैर की नोक होना वाय तो गले में पहन ली, गले को हाथ और कमर में बांध दी हो लेकिन बाबू होश नहीं की कि मैं पेन का जगह को आभूषण को का जगह पेन भरी हूँ, उनको होश नहीं है बस बंसी ध्वनि करके भाग रही है, ऐसे उनकी बंसी ध्वनि है कि जगत को मोहित करने वाली है, जब बंसी बजा में तो शंकर जी की समाधि टूट जाए, जो ब्रह्मा जी ध्यान लगा के बैठे हैं ना उनको ध्यान भी टूट जाए, उनकी बंसी ध्वनि जहाँ जहाँ पूरे विश्व ब्रह्मांड में जावे ना वहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति हो जाए। और आपके बाद में माधुरी लीला, माधुरी भगवान की कैसी लीला है, बड़ी मधुर से मधुर लीला है, कैसे उन्होंने बचपन में कैसे माखन चोरी की लीला करके सारे गोपियों को आनंद प्रदान करे, घर घर में जाकर माखन चोरी करे, जब माखन चोरी करे ना चुपके तो चोरी कर लेते, जब मैया बोले कि लाला गोपिया बोले लाला तेरे लिए मैंने माखन निकाल के रखो माखन खा ले ले, बोलता मेरे घर में का माखन की कमी है तो तेरे घर में माखन खाऊंगा मैं, मेरे 9-9 लाख भैया है तू मेरे घर में कमी नहीं है तू का समझ रही है, ऐसे करके वो छोड़ के आ जाते ले में नहीं है भैया गोपी से और क्या करके चोरी करके जाके माखन चोरी खा के वहाँ पे तो उनको आनंद प्रदान कर लेंगे। फिर जब बड़े हो में थोड़े से जब ग्वाल के सब में गौ चारण करने के लिए जावे तब कैसे करें, देखो पूर्ण भगवत्ता है उनके अंदर, अखिल ईश्वर भगवान के मालिक जो है, अखिल असाम में सिंधु जो है, अब कैसी कैसी लीला कर रहे हैं देखो, क्या करें जो सखन के समय क्या कर रहे हैं खा रहे हैं खिला रहे हैं झूठा खा रहे हैं खिला रहे हैं, ले मेरी भैया ने बड़ा सुंदर बनाए हो ले खिलाना चक्कर तो दे ले मधुमंगल खाते तो दे, कैसे प्यार से वो खिला रहे हैं और उनको झूठा भी खा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आज मेरी भैया ने बड़ा सुंदर बना के दिया है किसी को पकौड़ी बना के रही है ले खाते तो दे, तो वो कन्हैया बड़े प्यार से खा रहे हैं और जब खेल रहे हैं ना तो कैसे खेल में हार जा रहे हैं तो हार के कारण कंधा सखा के कंधा पर चढ़ जा रहे हैं, सखा को अपने कंधा पर चढ़ा रहे हैं और जब कुछ जीत जा रहे हैं तो सारे कंधा पर चढ़ जा रहे हैं।
लेके आ गए तो कैसे देखो जगत को अपनी लीला करता के कैसे सारे ब्रजवासी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वो गोपिन के संग में जब गोपिन की सभा में आ गए तो कैसे जब गोपिन को चोर लंपट लवान जो ऐसे बोले ना तो उनको बड़े ही सुंदर लगे बड़े उसको आनंद प्रदान हुआ। बोले प्रिया यदि मान करे घर करे वर्षा मेरे से ऐसे हरे मोर मन। बोल रहे जब गोपियां जो है मेरे को ऐसे ऐसे बोले ना चोर लंपट लवाट जो बोले ना वो तो मेरे को इतना आनंद प्रदान करे मेरे को इतना आनंद हो गए जो बेदल की स्तुति करने वाले भी है जो बेदल से मेरी स्तुति करे वहां में भी मेरे को क्या रस नहीं आवे मेरे को आनंद प्रदान नहीं हो गए। जो गोपी चोर लंपट करते बोले मेरे वो मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को आनंद प्रदान करने वाले हो गए। तो बोले ऐसे ही गोपी की भगवान की जो लीला कर करके क्या करे सारे जगत को सारे ब्रजवासी को आनंद प्रदान करे। तरह तरह की इच्छाएं होती हैं कामनाएं होती हैं
जो भक्ति की विरोधी है। मनाइयो मनुष्य नाम कारण बंधन मुक्त है। यदि मन कंट्रोल्ड होकर के भगवान की लीला कथाओं का स्मरण कराने में योगदान करे तो मंगलदायक, सारे बंधन कट जाते हैं। और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है तो वो मन को नहीं यदि कंट्रोल कर सका तो वो भजन नहीं कर सकता है। दिन रात उदास उपस्थ और दूसरे जितने भी मन के भेद हैं उसमें फंस जाए वो हजार चेष्टा करने पर भी नहीं। तो मन का भी क्रोध भी काम क्रोध है सब जो गुण समुद्भव समस्त बुराइयों की जड़ जरूर पाओ सेवन से अनकंट्रोल्ड माइंड दैट इज एंकर। इसलिए क्रोध को दूर करो। क्रोध को दूर कैसे करो? यदि मन भगवान की सेवाओं में हरि कथा में और दूसरे चीजों में लगता है तो कंट्रोल होकर के रहेगा और नहीं उत्पाद करेगा। इसलिए क्रोध को भी मैं समझता हूँ कि सबका मूल कारण मन का देख है। मन का देख नहीं दूर होने से क्रोध का देख भी दूर नहीं होगा। और क्रोध के देख को दूर नहीं करेगा तो साथ ही साथ काम क्रोध और अपनी वाणी के ऊपर नेत्रियों के ऊपर में कंट्रोल करना जरूरी है। यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया जैसे तैसे मन में आया तैसे तैसे बोल दिया तो महाभारत और रामायण का युद्ध हो सकता है। हमने बतलाया है पहले रामायण का युद्ध हुआ सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कह दिया वाणी पर कंट्रोल नहीं रखने का ये हुआ। वो तो लक्ष्मी है उनका तो है किंतु नरलीला के लिए सिखलाने के लिए जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण पर बहुत तरह के लगाया और जिससे लक्ष्मण भी वो तो अपने संयम में थे तो होते हुए भी देखा जैसे ये सीमा से बाहर जा रही है। इंद्रराम का आदेश पालन करने के लिए उनके पीछे पीछे गए कि तो चिंता रही कुर्सी लगा दिया सर्किल बना दिया इसके बाहर में मत जाए और गए। और जब हाथ सीखे कि हाल लक्ष्मण जब कहा वो सहरी नहीं बस तो सीता जी के वहां आया वो रावण और उनको हर दिया और फिर इसी के बाद द्रौपदी ने भी अंधा का पुत्र अंधा होता है मैंने कहा दुर्योधन उसको जीवन भर नहीं भूल सका इसलिए उसको दंड देना चाहा नंगे करके हमारे जंगे पर बैठा। तो इसका फल क्या हुआ? भीष्म ने प्रतिज्ञा की ये इनका ये भुजा उखाड़ करके उसे रक्त से द्रौपदी का केस बांधूंगा। अब द्रौपदी ने इनका रक्त नहीं मिलने से मैं केस नहीं बांधूंगा। तरह तरह की प्रतिज्ञाएं हुई अंत में कृष्ण की इच्छा करने पर भी युद्ध न हो किंतु नहीं हुआ। प्यार जी थे और सब नारद जी भी थे विदुर जी भी थे सब जानते हैं कि तो कोई भी युद्ध को कृष्ण ही नहीं कर सके क्योंकि इसीलिए उनका अवतार हुआ था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। इसलिए भाई पांचों वेद ये
सीमा है, लूली है, इसमें हार नहीं है, किंतु पूरा काम पैदा करती है। बहुत चंचल है, तेज है, चारों तरफ में घूमती है, किंतु अनकंट्रोल्ड होने से ये तरह तरह की विपत्तियां ला देती हैं, जो भजन राज्य से बहुत ही विरोधी है। इसलिए पांचों में मनस क्रोध जीवा का वे काव्य दूसरे रूप, यहाँ पर रसना के लिए रस लेती है। जिसकी रसना पसीभूत नहीं है, जैसे तैसे खाने खाते हैं, कुछ दिन में पेट का रोग हो जाता है, और शिष्णो दर्पायण कृष्ण कृष्ण को नहीं पा पाता, इसलिए घर बार छोड़ करके हम लोग आए हैं। हम लोगों को खूब सावधानी से रहना चाहिए। यदि चरित्र नहीं ठीक हुआ तो महाप्रभु उसको क्षमा नहीं करेंगे। कहला लाख विद्वान और हो, महाप्रभु का परम प्रिय छोटा हरिदास संगीत सुनाता था, उसके संगीत प्रतिदिन सुनते थे। किंतु हुआ क्या, संगीत को अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी उन्होंने वृद्धा के यहाँ से चावल मांगते हुए देखा, कोई दोष नहीं, तो भी क्यों गया, क्यों गया, होगा कुछ जरूर, महाप्रभु अंतर्यामी, इसका नाम कैसा है, कौन गया। बैरागी भैया करे प्रतिदिन संभाषण, इसलिए भाई बहुत सावधानी से भगवान का साधन करने के लिए, भजन करने के लिए रूप गोस्वामी का ये अमृत है, उपदेश का अमृत है, इसको पालन करो। और पालन नहीं करेगा भजन के नाम पर, और भक्ति पूर्ण काम होगी और उस कामों से भक्ति नष्ट हो जाएगा। जो राह है वो जगत के लोग कोई श्रद्धा ही नहीं करेंगे, कोई नहीं श्रद्धा करेगा, कोई बात सुनेगा नहीं। दामोदर से by remembering the pastimes of Krishna,
then one can achieve everything. But then the mind is not controlled, then one becomes controlled by the six urges that Rupa Goswami describes in his first verse of Upadeshamrita. See, Krishna gives warning, Kamesa Kodesa, Rajagun Sumupati, that lust and greed both arise from Rajagun. Then how to escape from anger? Only if the mind is absorbed in Bhagavad Seva, in chanting Harinam, then the mind can be controlled. The root of all problems and the root of all success is simply controlling the mind. So Srila Rupa Goswami has first his Vacha Vega. Whatever comes to the mind and we speak, this is a great fault. The great battles of the Ramayana and the Mahabharata were caused simply by the inability to control the tongue. For example, Sita Devi. Even though she is Mahalakshmi, still she is giving pastime, giving instruction in this world on how to control the tongue. You know the story that when Ram went to catch Marichi, that time Marichi was made a voice, Haram, Haram. That time Sita gave so much abuse to Lakshman, you should go and save your brother. Because of this, no one could protect her and Ravan one could kidnap her very easily. Therefore, the whole battle of Ramayana took place because of the fault of Sita not controlling her tongue. Or Srimati Draupadi Devi. When she saw that Duryodhan had made some mistake, she laughed. Oh, the son of a blind man is also blind. Duryodhan in his whole life never forgot this insult. Therefore, he made a vow to punish her. How? He tried to strip her naked and wanted her to sit on his thigh. Therefore, Vimsen made a vow, I will break those thighs. And Draupadi made a vow, I will never bind my hair till I wash my hair with his blood. So the war battles of Ramayana and Mahabharata caused by failure to control the tongue. The tongue is very restless. It has no bone, but it moves in all four directions. If one runs after the tongue and the genitals, one cannot get Krishna. We remember the story of Sichanda Haridas, even though he was very Golabadam Mahaprabhu, and he used to sing every day for the pleasure of Sri Gaura Hari. Still, he had no fault. He simply went to beg rice. The Mahaprabhu is Paramatma, he knows everything. To give us Shiksha, he rejected his most near and dear Chanda Haridas forever. So we have to remember all these things very carefully, otherwise Bhakti will be destroyed. And the common persons will have no faith in us, nor in our instructions, nor in Bhakti. Also, you should remember Atyaha Prayasasya, Utsaha Nishya Dharya, very important. All these you do get Utsaha Nishya Dharya, Satakshat Pravartana, Sato Vritti, Bharati Bhakti Vritti. पशुओं का संग कैसे होता है, पशुओं का दूध या जैसे भी उनका अनादर मत करो, कैसे पशुओं का कैसे संग करना होता है, मुख में एक बार हरिनाम दिए तो उसका आदर करो, यदि असत लक्षणहीन है, असत लक्षण माने क्या, दो चीज मायावादियों का संग और विषय का, ये दो, ये असत लक्षणहीन है. तो इनके इनको आदर देते हुए इनकी सेवा करते हुए और जो कि सब प्रकार से अष्टता दीक्षा जिनकी हो चुकी है उनके साथ में वैसा व्यवहार और उससे भी ऊपर जो अष्टता भी मिलाकर चिंता में निमग्न रहता है निंदा इत्यादि से दूर है ऐसे भक्तों को प्राण अपना समझ करके उनकी सेवा करो. हरिनाम में रुचि नहीं हो रही है तो अभी पुनः पुनः हरिनाम करो, यही उसके लिए औषधि है. रुचि हो जाए, रुचि नहीं हो रही है तो भी जिस प्रकार से वो कमला रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, शुगर कैंडी खाने से वो धीरे 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 वो पीछे निकल रही है, उसी प्रकार से पक्ष और रोग की औषधि एक ही है भगवान का नाम. नहीं देने की इच्छा होने पर भी लो होगा कि आप पूरा नहीं करेंगे तो भी पूरा करो, जैसे तैसे खाना पीना छोड़ करके भी
और अंत में करना अनुत्यादी कृष्णानुक्रमेण रसनाम ले तदानुरागी जनानुगामी कालम नए अखिलामी परनाम रूप चलता उनके मन से तो उनकी चिंता करो वृंदावन में रहते हुए मन से उनके विचार विकास कथाओं का चिंतन करो और युवा से उनके लीला सूचक जो नाम है उनका कीर्तन करो वैष्णव में अनुगत में राधानुगम तत्वित हो ऐसे वैष्णव के अनुगत करें वो भी वृंदावन में रह करके यदि भजन करो निर्वेग होकर तो ये है समस्त उपदेशों का था संक्षेप में बदलाया इसको पुनः पुनः इसलिए कहते हैं बीच बीच में हम लोग कमजोर हो जाते हैं भूल जाते हैं इसलिए इसका याद करके सब समय स्मरण रखो और अपना साधन करो यदि अपराध नहीं होगा यदि हाथों के मन क्रोध वेगम इत्यादि नहीं होगा थोड़ा सा भी नाम यदि होगा तो ये प्रभु को प्रसन्न करा देगा इस तरह से रह करके अपना भजन साधन करो और उन लोगों को कृष्ण करो ऑल दी श्लोक Controlling mind, controlling your strength, everything. And Guru Bhajan, now that the Liga, regarding to Liga, you should remember the name. And this past time family, this Krishna will be very happy and pleased to you and he will give it a special. If you are offenseless, no offense, and you are controlled all these things, then this is very, very, very good. Go, Prema. Hare Krishna